फ्रेंड्स, मैं हूं कमल। आप देख रहे थे टेक्निकल कैडी। टेक्निकल कैडी में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग सीवी रीडिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी लोग इस चैनल में नया आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको पल पल का अपडेट मिलते रहे। चलिए भाई लोग, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जो करना है, अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जो प्लस का आइकन है उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसका तो ऑल फोटो पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है उसका आपको ले लेना है, बैकग्राउंड आपको ले लेना है इस तरह से। उसके बाद आपको आ जाना है ऐड फोटो पर। उसके बाद आपका जो मॉडल है उसका आपको इस तरह से ले लेना है। हमारा जो मॉडल है हम लोग इसलिए सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको आ जाना है कटआउट टूल पर। कटआउट टूल पर आकर आपको फोटो को अच्छा से कट कर लेना है। इस तरह से आपको अच्छे से कट कर लेना है। जितना अच्छा आप कट करेंगे, फोटो को कट करके लेंगे, उतना अच्छा आपका फोटो बनेगा। कि आपको ध्यान रखना होगा फोटो कट करने समय, जब तक फोटो का हिस्सा अच्छा से कट हो। उसके बाद आपको ऊपर में जाकर क्लिक कर देना है। हमारा जो फोटो है वो अच्छा तरह से हो गया है। अगर आपको कोई भी फोटो दिक्कत आता है कोई भी जगह पर, आप उसके यहाँ से इसको मिटा सकते इस तरह से, और इसमें आके आपको इस तरह से इसको ले भी सकते हैं। जो भी आपका हिस्सा रहेगा बाकी का हिस्सा आपको इस तरह से फिर से ले लेना है। हमारा जो फोटो है वो अच्छा तरह से आ गया है, इसलिए हम लोग फिर सेव में क्लिक कर देंगे ऊपर पर जाके। उसके बाद आपका फोटो जो है उसको आपको बैकग्राउंड पर अच्छी तरह से सेव कर लेना है। इस तरह से आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर में राइट में क्लिक कर देना है। और सीवी रीडिंग में भाई लोग जो मेन व्यापार होता है, मेन चीज होता है, वो रहता है कपड़े में चमक आना। इसलिए आपको जाना होगा कपड़े में चमक आने के लिए आपको ड्रॉ टूल में जाना होगा। उसके बाद जो ब्रश का आइकन है इसमें जाके आपको ब्रश का हिसाब अपने तरफ से सेट कर लेना है। इसको आप छोटा बड़ा जिस तरह से करना चाहते हैं उसको उस तरह से आपको सेट कर लेना है। उसके बाद आपको कलर पर क्लिक कर देना है। और आपको जो भी कलर चूज होता है अपने कपड़े पर मारना चाहते हैं वो कलर को आप कुछ कर सकते हो। हम लोग ब्लू कलर चूज करते हैं। मुझे ब्लू का जो शर्ट है वो ब्लू टाइप का है, ब्लू इसमें जाँचेगा, इसलिए हम लोग ब्लू जो है इसको ब्लू में मारते हैं। अगर आप पेंट जैकेट को कोई अलग हिस्सा देना चाहते हो तो अलग कलर भी दे सकते हो। हम लोग इसमें दोनों ही ब्लू है इसलिए ब्लू जाँचेगा, तो हम लोग ब्लू जो दोनों है दोनों पर ही ब्लू मार देते हैं। तरह से आपको कलर ले लेना है, ब्लू कलर कर देना है अपने जैकेट को। जो भी कलर आप चूज करते हैं अच्छे से आपको करके ले लेना है, कोई भी हिस्सा आपको टूट ना जाए, इसलिए आपको अच्छा से इस तरह से कर लेना है। अच्छे से आपको ले लेना है, इस तरह से पूरे कर देना है आपको। आपको इस तरह से करने के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कोई भी हिस्सा छूट ना जाए। अगर आप ब्रश को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से छोटा कर लेना है। आपको बड़ा करना चाहिए तो बड़ा कर सकते हो। इस तरह से आपको अच्छे से इसको ले लेना है। उसके बाद आपको राइट उसका जो ए वाला हिस्सा है उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नॉर्थ पर आके ओवरऑल कर देना है। उसके बाद जो भी आपका कलर है उसका आप जितना करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। हम लोग इसको 35 पर 36 पर इस तरह से रखते हैं। अब जो भी आप चाहते हैं उस तरह से आपको रख सकते हैं। उसके बाद आपको राइट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर में क्लिक कर देना है और ए वाले जो फोटो है इसको आपको गैलरी पर सेव कर देना है। इसके बाद आपका जो भी काम रहेगा वो दूसरा ऐप्स पर काम रहेगा। वो ऐप्स है आपका जो स्नैपसीड ऐप्स है, उसमें आपको इस फोटो को ले जाना है। तो हमारे जो गैलरी हम लोग आ जाते हैं गैलरी पर। उसके बाद इस फोटो को हम लोग जो भी हमारा फोटो है उसको हमको इस तरह से ले लेना है। जो आप एप्लीकेशन से एडिट किए हैं उस फोटो को आपको शेयर पर
ले जाना है। उसके बाद आपको स्नैपशॉट ऐप्स में जाके इसको ले लेना है। उसके बाद आपको आना है टूल्स पर, टूल्स पर आके आपको सिलेक्ट करके क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो प्लस का आइकन आता है, प्लस का आइकन में आपको क्लिक करके जो आपका फ्रेश है उसको आपको इस तरह से ले लेना है। ऊपर में जाके इस तरह से इसको आपको इसका जो फ्रेश है उसको क्लीन कर लेना है, इस तरह से इसको गोरा कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका हाथ हो या पाँव हो उसको आपको इस तरह से उसको गोरा कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे राइट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से टूल पर जाके आपको डिटेल्स में क्लिक कर देना है। डिटेल्स में आके आपको इस वाला पहले वाला को आपको इस तरह से थोड़ा सा ले लेना है। उसके बाद आपको जो सेकंड वाला है उसको आपको पूरा टूल कर देना है। उसके बाद आपको फिर से राइट में क्लिक कर देना है। फिर से आपको टूल्स पर जाके जो इमेज है, टूल इमेज है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो पहला वाला होता है उसका आपको रख देना है इस तरह से। जो सेकेंड टूल्स है उसको आपको इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा देना है। जो थर्ड टूल्स है उसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, इस टूल को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद जो लाइट है उसको आपको इस तरह से जितना रखना चाहते हैं इस तरह से आपको बढ़ा देना है। उसके बाद आपको इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा देना है। और जो सबसे नीचे है उसको थोड़ा सा कम कर देना है, जो आपका फोटो होगा वो बढ़िया आएगा। इस तरह से आपको ले लेना है। इस तरह से जो आपको फोटो है वो बन के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आपको इस फोटो को राइट में क्लिक कर देना है, फिर आपको डन कर देना है। जब डन कर देते हैं तो आपका गैलरी पर जाके वो सेव हो जाते हैं। इस तरह से आप सीबीडी में अच्छे खासा एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आते तो आपको कमेंट पर जाके कमेंट कर सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल में नया आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए भाई लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में।